शिक्षक दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में स्थित पुलिस मेस में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने प्रशिक्षु महिला आर्चियों को शिक्षक बनकर पुलिसिंग और व्यवहारिकता का पाठ पढ़ाया। एसएसपी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक की भूमिका में होता है, कभी वो अपने भाई को शिक्षा देता है तो कभी किसी और को, तो देखा जाए कि शिक्षक सभी हैं, फर्क यह है कि सही शिक्षा कौन दे रहा है। एसएसपी ने कहा कि शिष्य और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जिसका वर्तमान सही है उसी का भविष्य भी सही होता है। इस दौरान आरटीसी के शिक्षकों एवं महिला आरक्षियों ने भी अपने विचार रखे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, शिक्षक कितना भी योग्य हो वो आपके किसी काम का नहीं, तो अपने अंदर पात्रता का विकास कीजिए, ये मैं कहना चाहूंगा। और शिक्षक को भी अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जिंदगी को बदल देती है, तो शिक्षक का महत्व इसमें इसलिए बताया गया है कि शिक्षक समाज को बहुत ही शिक्षा देता है, जीने की कला सिखाता है, रहने की कला सिखाता है, हर तरह की जीने रहने के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में सलाह देता है। उसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसका महत्व बता दीजिए। चाहे शिष्य हो, दोनों का अनुशासन में रहना चाहिए। आपके जीवन में हर एक जो नयापन देख, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। देखिए आज देश के उपराष्ट्रपति श्री महामहिम सर्वपल्ली विष्णु सर लाल बाधा पानी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसमें आप लोगों को जो भी शिक्षक खड़ा आपको बताते हैं उसको रुचि के साथ ग्रहण करिए और अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए उसको अपनाइए। मानसिक रूप से सदृढ़ करके यहाँ से भेजा जाएगा। हमारे लिए आपको ये है कि ये लोग महिला आरक्षी हैं, ये अपने को कमजोर समझती हैं, मगर इनको ये नहीं समझ है कि महिलाएं कमजोर होती है, कोमल होती है, कमजोर नहीं होती। इनके अंदर जज्बा है हर चीज करने का, इसलिए इनको कोई भी काम अपने जज्बे से होने से करना चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर मैं सीखना ही चाहूँगा कि आप लोग सीखने की प्रक्रिया निरंतर करते रहिएगा। सीखना एक कला होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। आप लोग ना करके और जो सीखी है अच्छी तरीके से शुभकामनाएं। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मेरा कहना है कि शिक्षक माता पिता जन्म देता है, किंतु भविष्य का सोचा शिक्षक से प्राप्त होती है। आप लोग सभी शिक्षक का आदर करिए, उनके गुणों का ग्रहण करिए। शिक्षक एक निर्माता होता है, इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत सारी नई बातें मुझे पता चली, अभी इन्होंने घड़े का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बुरा लगता होगा जब घंटों खड़ा रहते हैं, घंटों दौड़ाते हैं, और सबसे ज्यादा तो वो कौन सा दिन था, मंगल सोमवार था है। मैंने 2 घंटे आप लोगों को चलाया, मैं खुद चल रहा था आपके साथ, दो टोली टुकड़ियां गई थी, फंस गई मेरे साथ, और वो गालियां आपने निकाली होंगी आपने, है ना यार। और मैं आगे आगे था, मैं गायब हो गया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि गाड़ी बैठा नहीं, मैंने कहा नहीं बच्चे मेरे चल रहे हैं, मैं साथ में चलूंगा। तो ये घड़े वाली बात है जो आपको ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है एक तरह से, वो आपको सुधार बनाने के लिए, जिससे आपको आगे आने वाले जीवन में केवल प्रोफेशनल
प्रोफेशनल जीवन नहीं, कठिनाई प्राइवेट जो कठिनाई है ना, आप देखेंगे आप पुलिस वाला होता है वो अपने घर को भी संभाल लेता है, अच्छा संभाल जाता है, क्योंकि आपको जो यहाँ ट्रेनिंग में सिखाई है वो आपको निजी जीवन में भी काम आएगी। आप भी किसी ना किसी को एक टीचर है, अपने छोटे भाई के लिए, बड़ी बहन के लिए, अपनी चाची के लिए, अपनी ताई के लिए, बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी आप कहीं ना कहीं वो आपसे शिक्षा लेते हैं। हर कोई एक दूसरे से सीखता है और हर एक दूसरे को सिखाता है। खरबूजा खरबूजे को देखते हुए बदलता है। पड़ोसन आ जाए टोली कमांडर्स कवर, मैं सुनना चाहूंगा कि आपने 3 महीने में क्या खोया पाया। आइए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सारे टीचर्स को मेरी तरफ से बधाई और सबके सबको लिए मेरी तरफ से थैंक यू सर। और सर मेरा मानना है कि एक मनुष्य का स्वभाव होता है सीखना, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो प्रत्येक आदमी या प्रत्येक मनुष्य जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं, जो हमें प्रेरित करता है, सिखाता है, या जिसके माध्यम से किसी को प्रेरणा मानते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो हमारा गुरु होता है। चाहे मम्मी पापा हों या फिर हमारे मित्र हों या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो, वो हमारा गुरु ही होता है। जैसा और जिससे मैं बहुत कुछ सीखी यहाँ पर, और मैं अभी भी यहाँ से सीख के बहुत कुछ जाऊँगी। धन्यवाद। और बैठे सभी कैदियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो उस समय आपको केवल अपने गुरु का शब्द अनुसरण करना चाहिए। आपकी समस्त कठिनाइयां दूर होंगी। यहाँ पर सारे टीचरों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी कैडेट्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी प्रकृति में उपस्थित हर वह वस्तु जिसे आपको सीखते हैं, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव हो, वह सभी हमारे गुरु होती हैं। और हमें प्रत्येक समय गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी कोई भी बात अगर हमें बुरी लगती है तो शांत मन से ये सोचना चाहिए कि उनकी हर एक कही हुई बात में कुछ ना कुछ अच्छाई और हमारी भलाई छिपी हुई है। इसलिए कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और कभी गुस्सा होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। और हमारे साथी सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि देखा जाता है कि जो आईना होता है उसमें सच दिखता है, उसी तरह हमारे टीचर होते हैं जो हमारे अंदर कमियां होती हैं उसको बताते हैं। धन्यवाद। मैम और हमारे बहनें सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज सरस्वती सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि अच्छा शिक्षक वही है जो अपने अंदर के विद्यार्थी को मरने ना दे। इसीलिए हमको जीवन में निरंतर सीखना चाहिए और सीखते ही रहना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक को एंड मेरी बहनों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। और हमें भी कभी भी मतलब कोई भी चीज अगर मतलब सजीव और निर्जीव किसी भी चीज से अगर हमको सीखने के लिए मिलता है तो वो हमारा शिक्षक होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और हमें अपनी मतलब लाइफ को जीने के लिए हमेशा अनुशासन और समय से पाबंद होना चाहिए। हमेशा अनुशासन और समय का दुरुपयोग नहीं उपयोग करना चाहिए। दिन से यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षक गण और मेरी बहनें, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ आप सब लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हमें अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल करनी होती है तो वो चाहे छोटी सी सीढ़ी हो, लेकिन सबके लिए एक शिक्षक होना जरूरी होता है। बिना शिक्षक से के सिखाए हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षक जो भी हमें सिखाता है उसका अच्छे से पालन करना चाहिए तथा उसकी सारी बातों को मानना चाहिए। और हमें ये समझ के चलना चाहिए कि ये हमारा शिक्षक है, केवल नाम का शिक्षक नहीं होना चाहिए कि नाम का शिक्षक है, जो भी वो सिखलाता है हमें उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। धन्यवाद। ऑल माय टीचर्स सर, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अपने घर पे अपने मम्मी पापा का हर कहना मानते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे टीचर्स का हर कहना मानना चाहिए। अगर वो हमें डांटते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए, उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और सर हमें किसी भी छोटे से छोटी वस्तु से अगर कोई भी शिक्षा मिलती है तो वो हमारे लिए एक शिक्षक के समान होती है। जय हमारे आरआई सर, प्रभारी सर तथा समस्त शिक्षक गण और मेरी प्यारी बहनों, श्री गणेश में करो आपके वंदन से, ज्योतिर्मय वंदे मात के अभिनंदन से। लिए
थी। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना नहीं है, बल्कि उस उदय मान ज्ञान को प्राप्त करना है जो हमें भौतिकवादी जगत से निकालकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा दे। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक हमारे समाज में एक मेरुदंड का काम करता है। किसी ने सही ही कहा है कि अगर देश को महान बनाना है, अगर समाज को बदलना है, तो हमें तो उस काम को कोई कर सकता है तो वो तीन व्यक्ति हैं, जिसमें माता पिता और गुरु का अहम रोल होता है। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। शिक्षक हमेशा ये सिखाते हैं कि अपने कर्म पथ पर कर्मयोद्धा बनकर अपने कर्म को हमें करना चाहिए। और शिक्षक ही हमारे समाज का दो बातें मुझे समझ में आ रही है जो बच्चों ने बताई आपने। शिक्षक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, शिक्षक सजीव और निर्जीव कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत सारे दो तीन बच्चों ने ये कहा। पहली बात, आपको जिससे भी कुछ सीखने को मिले, आपको रास्ते चलते किसी भी चीज से, किसी बिल्डिंग से सीखने को मिल सकता है, किसी वस्तु से सीखने को मिल सकता है, वो भी आपके जीवन में शिक्षक है। दूसरी बात जो भी आपकी इस आखिरी वक्ता ने बताई, बहुत बढ़िया भाई, इसको तो अलग से पुरस्कार देना चाहिए। बहुत सुंदर, एकदम लगा कि सुषमा स्वराज जी आ गई वापस। तो ये कहेंगे बहुत अच्छी इसकी प्रतिभा है, इसको आप इससे बल्कि सीख लेते हुए सभी, मेरा मानना है सभी महिला कांस्टेबल्स को एक सेशन जरूर लगातार करवाएं, जिसमें इनको लेक्चर देने की या लोगों को संबोधित करने की कला होती है, वो आपको जरूर आनी चाहिए। क्योंकि पुलिसिंग इस जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर वाली चीज है। आपसे चार लोग बात करेंगे, चार लोग आपको समस्या बताएंगे, आप कहीं ड्यूटी पे जाएंगे, चार लोगों से मिलना जुलना, आपका बहिर्मुखी होना, आचरण में नहीं कराना आज की डेट में पुलिस वालों में बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ आपके इंचार्ज महोदय से कहूंगा कि इनको वाक्पटुता, भाषण देने की कला में इनको पारंगत करें, और इन्हीं आपके पास ही ये फैकल्टी है। देखिए, मेरा मानना है इन सारे टीचरों से कहीं ज्यादा अच्छा हमारे बच्चों ने बोला, इनकी ही एक इंटरनल फैकल्टी बना करके डायस पे खड़े होकर के इन सबको कहलवाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको माइक पकड़ने में दिक्कत होती है, तो कल को जब ये थाने में जाएंगे तो जिस अनजान आदमी से कैसे बात करेंगे? बुढ़ा आदमी आएगा, कुसट आदमी आएगा, बदमाश आदमी आएगा, उससे आप कैसे बात करोगे? तो अपने को मन अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन बच्चों ने जो बताया, लास्ट बच्चे ने जो बताया, एक बात अभी और जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपना कल सुधारना है तो वर्तमान सुधारना होगा। और आप अभी 3 महीने पहले जो पुलिस के बारे में सोचती थी कि पुलिस बदमाश है, मकार है, केवल अमीरों के साथ होती है, पैसे खर्च करो, रिश्वत खोर है, पर है अब आज आप भी वही है। आज आप भी वही है, आप पार्ट एंड पार्सल हो गए हमारे सिस्टम का। तो जो अभी आखिरी बच्चे ने बात कही कि भविष्य सुधारना है तो वर्तमान को सुधारना है, कि उससे कम दिन में 10 फैमिली वाले आदमी मिलते हैं हर थाने में, आपसे प्रभावित होते हैं, आप उनको प्रभावित करेंगी जाकर के, जब सुनेंगी, उनके ऊपर डिसीजन लेंगी, उनकी समस्या का समाधान करेंगी, आपके अंदर जितनी अच्छी क्वालिटी आएंगी, जितना जल्दी आप जितना अच्छा आप ट्रेनिंग लेंगे, आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी आराम रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी आराम रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि सीखना और सिखाना जारी रखें। पुर में आपको पता ही है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर चलता है, जहां पर हमारे पास आज लगभग 261 कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, महिला कैडेट्स। तो आज चूंकि महीने में एक बार मैं ज़रूर इनकी क्लास लगता हूं, इनके साथ इंटरेक्शन करता हूं, जिससे इनकी परेशानियां समझ सकूं, इनको कुछ अच्छी बातें बता सकूं। उसी क्रम में आज इत्तेफाक है कि आज ये शिक्षक दिवस भी था और आज मैं यहां लेक्चर लेने आया था, और आज इनके और हमारे बीच में संवाद बना रहे, बच्चियों की कोई समस्या ना हो, ट्रेनिंग अच्छे से चलती रहे, और उसमें कुछ कमी बेशी भी पता चलती है समय के साथ। जैसे आज लगभग 3 महीने हो रहे हैं, लेकिन फिर एक दो चैप्टर्स या एक दो चीज़ों के बारे में
हैं, बच्चों ने भी बताया कि ये एक छोटी सी एक दिन की ट्रेनिंग और ज़रूरत है, तो सब भी कोशिश की जा रही है, इससे इम्प्रूव होगा और आगे आने वाली पुलिसिंग में भी सुधार होगा जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे। जी जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि हर कोई हर किसी से सीखता है, कोई भी किसी का शिक्षक हो सकता है और हर कोई शिक्षक है। यदि आप किसी को सिखा रहे हैं, अपने बहन भाई छोटे बच्चे को, तो आप भी शिक्षक हैं। तो आज शिक्षक और शिष्य दोनों का दिन है, एक दूसरे से सीखना चाहिए और वर्तमान अच्छा होगा तभी भविष्य अच्छा होगा। और जी बिल्कुल, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, टीचर्स ने बहुत बहुत सारी चीज़ें, कम से कम मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मेरे टीचर्स एक से बढ़ के एक मिले मुझे, और उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें जो वो कहते थे उन पर अमल करके ही आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।